बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्त, आज हम लोग दोस्त सोमी का पावर बैंक जो हमने बाय किया था उसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्त, ये आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो मैंने तो वहाँ पे सामने कर दी थी, बट इस टाइप से आपका बॉक्स मिलेगा सबसे पहले आपको। और सोमी पावर बैंक 4i, ठीक है, और 20,000 mAh, और ये 33 वाट को दोस्त सपोर्ट करता है, और मेड इन इंडिया में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से पावर बैंक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्त, सबसे पहले दोस्त आपको यहाँ पे पीछे का बता देता हूँ, ये सोमी का पावर बैंक है और इसकी MRP 3,999 रुपये बता रहा है, और सितंबर 2024 में ये मैन्युफैक्चर हुआ था। और ये इस टाइप से इसका बॉक्स है दोस्त। इसके बाद में दोस्त, ये स्टेप से अंदर से आपको ये मिलेगा, उसके बाद आप इसको अनबॉक्स करते हैं। वाओ, ये स्टेप से आपको पावर बैंक मिलेगा दोस्त। ये पॉलीथीन के अंदर पावर बैंक मिलेगा, और आपको ये यूजर मैनुअल मिलेगा जो कि इस काम का नहीं अपना। और उसके बाद में दोस्त, ये एक हमको दोस्त टाइप सी आपको केबल मिलेगी, और ये हमारा पावर बैंक है दोस्त। इस टाइप से पैकिंग में आएगा आपको। इसके बाद वाव अमेजिंग, ये हमारा सोमी का पावर बैंक है दोस्त, जिसमें USB 2 पोर्ट से दिए गए और एक टाइप सी का। उसके बाद में नीचे में दोस्त, ये 20,000 mAh का पावर बैंक और ये दिया गया है। इस पावर बैंक की बात करें दोस्त, इस पावर बैंक की बात करें तो ये टाइप सी आता है और 20,000 mAh के साथ में आता है। और इस पावर बैंक की बात करें, ये पावर बैंक यदि आप सोमी का 13 प्रो लेते हैं, यदि चार्ज करते हैं, तो इसको फुल चार्ज होने में 3.4 आवर का टाइम लगेगा दोस्त। यदि आप कि नहीं दोस्त 15 प्रो मैक्स यदि इसको चार्ज करते हैं, फुल चार्ज करते हैं, तो आपको 3.33 टाइम चार्ज कर देगा ये आपको, मतलब 3.3 बार चार्ज कर देगा। उसके बाद में रेडमी नोट 13 यदि आप उसको चार्ज करते हैं, तो दोस्त 3.3 टाइम्स बार ये फुल चार्ज कर देगा ये दोस्त आपको, ठीक है। और यदि आप 33 वाट सोनी चार्जर से यदि आप चार्ज करते हैं, तो रेडमी नोट 13 प्रो ये 50% चार्ज होने में दोस्त 27 मिनट लगाएगा, और जो सोमी का यदि 14 अल्ट्रा यदि आप उसको चार्ज करते 50%, तो आपको ये 30 मिनट लगेगा दोस्त। यदि आप 15 प्रो मैक्स यदि इसको चार्ज करते 50%, तो आप 29 मिनट में आप इसको 50% तक आप चार्ज कर सकते हैं दोस्त। तो सबसे आप देखते हैं दोस्त, ये चार्जर के थ्रू हम इससे आप स्मार्ट वॉच यदि आप चार्ज होती कि नहीं होती देखते हैं। ये हमारी स्मार्ट वॉच है और मैं देखता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्त कि चार्ज होने लगे। वाओ, बताओ आप, इससे स्मार्ट वॉच हो गया, एप्पल आईफोन हो गया, और टाइप सी टू टाइप सी, बट और अब हम लोग दोस्त थोड़ा सा, ये दोस्त हमारा केबल है, और मेरा एक सजेशन है दोस्त, आप जब भी कि नहीं यदि आप इससे आईफोन वगैरह यदि चार्ज करते हैं, तो आपको ओरिजिनल केबल लेना है, न कि इस केबल से आपको चार्ज करना है दोस्त। अब देखते हैं दोस्त कि यदि मैं मान लो एक मेरे पास ये आईफोन 12 है, और 12 को मैं यदि इसको चार्ज करता हूँ, तो कितना टाइम लगाता है दोस्त। ये हमारा ये है, और इसकी बात करें 83% इसकी बैटरी है दोस्त, और मैं इसमें दोस्त लगाता हूँ, ठीक है, मैंने लगा दिया दोस्त। अब देखते हैं दोस्त, अभी 1:35 का टाइम हो रहा है और 83% इसकी बैटरी है दोस्त, ठीक है। देखते हैं मैं 5 मिनट में कितना मुझे चार्ज करके देता है। ये 83% बैटरी है और 1:35 का टाइम हो रहा है, मैंने लगा दिया इसको,
देखते थे उसको कितना फास्ट चार्ज करता है। तो 36 हो चुका है, हम 40 तक देखेंगे दोस्त कि आप 40 140 तक ही कितने टाइम में कितनी बैटरी चार्ज करता है, फास्ट करता है या नहीं करता, देखते हैं। इसमें 83 बैटरी बताई थी और 1:35 पे मैंने इसको चार्ज पे लगाया था दोस्त, आईफोन 12 को, और ये ओरिजिनल केबल से मैंने दोस्त इसको चार्ज करने लगाया था। अभी 36 हो चुका है, देखते 5 मिनट में दोस्त कितना चार्ज करता है। एक 35 पे दोस्त मैंने लगाया था, अभी 1:36 हो रहा है, देखते कितना परसेंट ये चार्ज करके देता है 5 मिनट में। दोस्त इस पावर बैंक की बात करें, दोस्त हमने इसको 5 मिनट इसको चार्ज पे लगाया और चार्ज इसने दोस्त 5 मिनट के अंदर में दोस्त हमको कम से कम 7% बैटरी को दोस्त इसने चार्ज कर दिया। तो इस पावर बैंक की बात करें दोस्त, ये आईफोन वगैरह के लिए बढ़िया है और 20,000 mAh के साथ आता है और थोड़ा फास्ट स्लो, मतलब फास्ट तो चार्ज नहीं करता बट बैटर है दोस्त, तो आप ले सकते हो दोस्त। थैंक यू।